नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ओवैसी के बयान पर पूछे गए सवाल का विजय मानकर ने दिया जवाब। कहा, धर्म के लिए धर्म की राजनीति नहीं, नीतियों की राजनीति की है देश को जरूरत। कि जब आप भी रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो सेकुलर स्टेट जो है वो कैसे बनेगा? तो इसका सलूशन रिलीजन फॉर रिलीजन पॉलिटिक्स करना नहीं है, धर्म की राजनीति करना नहीं है, संस्कृति की राजनीति करना नहीं है, नीतियों की राजनीति होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ओवैसी की यहाँ गलत है, उनको दूसरे पार्ट पर मैं करेक्ट करना चाहूँ। राम मंदिर शिलान्यास में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा सार्वजनिक तौर पर शामिल होने को लेकर जहां हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सेकुलर स्टेट की मौत और हिंदुत्व की जीत बताया है, तो वही एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने इसी मुद्दे से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा है कि ओवैसी ने जो कुछ कहा है वह आंशिक तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन ओवैसी से भी उन्होंने इस बयान में एक सवाल करते हुए पूछा है कि आप भी धार्मिक राजनीति कर रहे हैं तो फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बनेगा? इसीलिए इसका समाधान धर्म के लिए धर्म की राजनीति करना नहीं है बल्कि नीतियों की राजनीति करना चाहिए। इसीलिए ओवैसी जी यहां पर गलत है, जिन्हें आज मैं करेक्ट कर रहा हूं। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। सर, ये सारी घटनाक्रम पर ओवैसी जी ने कहा है कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दल को लेकर इस बात को कहा है, तो आप कैसे देखते हैं ओवैसी जी के बयान को? नहीं, ओवैसी जो कह रहे हैं वो आंशिक तौर पे सही है। एक बात तो पहले मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस हो या बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हो, यदि आपको 100-100 सालों में 50 सालों में जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं समझा कि स्टेट सेक्युलर होता है और पार्टियों का काम होता है सारे लोगों के लिए काम करना, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी बनाना, उनके लिए लॉ बनाना, ये बात यदि आपको नहीं समझी कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता, राज्य न्यूट्रल होता है रिलीजन के मामले में, तो फिर आपको जो है इतने साल पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो है वो किस काम की है? तो वैसे जो ये बात कह रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है धर्म को जो है वो सरेंडर हो रही है, हिंदुत्व जो है या कल्चरल नेशनलिज्म को जो सरेंडर हो रही है, उस लिहाज से ओवैसी जो है वो आंशिक तौर पर सही बात कर रहे हैं और जो है वो मुस्लिम्स लोगों के साथ जो कुछ गलत हुआ उसकी वो बात कर रहे हैं, वहां तक जो है वो आंशिक तौर पर सही है। मैं भी किसी धर्म को नहीं मानता, किसी धार्मिक कम्युनिटी के साथ या खिलाफ जो है हम खड़े नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ जरूर खड़े है जिनकी जो है वो मस्जिद गिराकर जो है यहाँ मंदिर बनाया गया, वहां तक जो है मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर। लेकिन ओवैसी जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप भी रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो सेकुलर स्टेट जो है वो कैसे बनेगा? तो इसका सलूशन रिलीजन फॉर रिलीजन पॉलिटिक्स करना नहीं है, धर्म की राजनीति करना नहीं है, संस्कृति की राजनीति करना नहीं है, नीतियों की राजनीति होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ओवैसी जी यहाँ गलत है, उनको दूसरे पार्ट पर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। विजय मानकर ने इसके अलावा यह भी कहा है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा या अन्य अपोजिशन पार्टियां, जिन पार्टियों को 100-100 साल 50-50 सालों में भी यह नहीं समझा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है और पार्टियों का काम होता है सारे लोगों के लिए काम करना, पब्लिक पॉलिसी बनाना और उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाना, ये बात यदि राजनीतिक दलों को नहीं समझ आ रही है तो उनकी आखिर देश में जरूरत ही क्या है? तो बड़ा बयान विजय मानकर ने यहाँ पर दिया है। ओवैसी के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय मानकर ने ये तमाम बातें आज मानवतावादी मीडिया सेंटर से चर्चा में कही है।